मैं जब लाहौर में थी तो उसे फटा कहते थे कि जी फटा बज गया, फटा बज गया। मैं सोचती थी ये फटा किधर बज गया, कौन सा फटा है। मैं चेक करती थी मेरे आसपास कौन सा फटा है जो बज गया। और इसका फैसला कैसे होता है कि ये खबर सच्ची है झूठी है। अगर मैं जियो टीवी और एयरवाई की बात करूँ तो 25 मिनट तक की हेडलाइन होती है। और तो अगर आप अपनी जान को जोखों में डालने के लिए रेडी हैं तो तब आपने इस फील्ड में, जर्नलिज्म की फील्ड में आना है। अगर तो दिलचस्पी है तो फिर आप तमाम तर पापड़ बेलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। मेरा पैशन जब मेरा प्रोफेशन बन जाता है तो मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ। इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में है और किन लोगों ने आपको ट्रेन किया है, ये बहुत मैटर करता है। आपको बहुत से पापड़ बेलना पड़ रहे हैं। तो न्यूज़ एंकर बनना इतना आसान काम नहीं है। न्यूज़ एंकर बनने के लिए आपको बहुत से पापड़ बेलना पड़ रहे हैं। सीधे सीधे जो साफ साफ जुमले होते हैं उनको क्रिस्पी बनाना, स्पाइसी बनाना, कैची बनाना, बहुत से वक्त गुजारने पड़ते हैं अच्छे बुरे, और बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आप अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई है, किस तरह की ट्रेनिंग हुई है और किन लोगों ने आपको ट्रेन किया है, ये बहुत मैटर करता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ट्रेनिंग हुई है उनकी क्या कैपेसिटी थी, ये बहुत मैटर करता है। प्लस ये कि जो आपकी अपनी क्वालिफिकेशन है, आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, क्या डिग्री रखते हैं, और वो डिग्री आपकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसमें कितनी हेल्पफुल साबित हो रही है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के ऊपर कि अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और यकीनन हर वो शख्स जो कि एम्बिशियस है उसके लिए ये बात इम्पॉर्टेंट है, और वो बात मेरे नज़दीक क्वालिफिकेशन से पहले आती है, वो है इंटरेस्ट। आपका उस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट होना, आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी भी ख्वाहिश हो कि वो डॉक्टर बने, ज़ोर ज़बरदस्ती ना बने। अगर कोई एंकर बनना चाहता है तो उसकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश उसमें ऐड हो कि उसको एंकर बनना है, ये बहुत इम्पैक्ट करती है बात आपकी पर्सनालिटी को। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरा जो प्रोफेशन है वही मेरा पैशन है। मेरा पैशन जब मेरा प्रोफेशन बन जाता है तो मैं अपने काम को इन्जॉय करती हूँ, मैं सीखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, सिखाती हूँ, और हर हर ऑर्गेनाइजेशन में नए नए लोगों के साथ एक बहुत चैलेंजिंग काम किया और आगे बढ़ते चले गए और अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ के लिए बहुत ज़रूरी था इंटरेस्ट का होना। हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है कि अक्सर व बेशतर लोग वो काम कर रहे हैं जिस पे उनको दिलचस्पी नहीं है। कोई इंजीनियर बन गया है तो उसकी इंटरेस्ट जो था वो बिज़नेस मैनेजमेंट साइंसेज में था, कोई बीबीए कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट एंकरिंग में था, वगैरह वगैरह। इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में है और उस दिलचस्पी को वो लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो बात सबसे पहले मैं करूंगी इंटरेस्ट की। तो आपने सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं तो आया आपकी इस फील्ड में दिलचस्पी भी है या नहीं है। अगर तो दिलचस्पी है तो फिर आप तमाम तर पापड़ बेलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, ना दिन का पता होता है, ना रात को सुकून मिलता है, ना कभी खाना मिलता है, कभी आप फील्ड रिपोर्टिंग के लिए सड़क पर हैं, कभी आप आउट स्टेशन हैं दूसरे शहरों में हैं, कभी आप घर से भी रिपोर्ट कर रहे हैं अगर आप रिपोर्टर हैं। बहुत मुश्किल और टफ लाइफ होती है एक जर्नलिस्ट की। तो अगर आप अपनी जान को जोखों में डालने के लिए रेडी हैं तो तब आपने इस फील्ड में, जर्नलिज्म की फील्ड में आना है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होती है। वैसे तो मैंने इस फील्ड के अंदर देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म नहीं भी पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और उन्होंने सहाफ़त को अपना पेशा बनाया और फिर उन्होंने पढ़ा लिखा और वो आगे बढ़ गए। तो ऐसी भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन्हें मैं कहूँगी कि एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ओवरऑल हर फील्ड का अपना एक डेकोरम होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे आपने आगे बढ़ना होता है। तो इस फील्ड के लिए आपको जो डिग्री चाहिए वो डिग्री चाहिए 4 ईयर्स जर्नलिज्म की डिग्री, जिसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ये मास कम्युनिकेशन की डिग्री माजी में 2 साल की हुआ करती थी। अमूमन लोग कराची के जो लोग हैं वो कराची यूनिवर्सिटी या फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री 2 साल की कर रहे होते थे। फिर उसके बाद मुझे याद है 2010-11 की बात है जब एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान HEC ने ये प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस कराया कि आपने 4 ईयर्स डिग्री करनी है, यानी कि 8 सेमेस्टर्स पर मबनी डिग्री होगी। तो वो 4 साल डिग्री मास कम्युनिकेशन की आप करेंगे। इसके अलावा भी कुछ स्टडीज़ हैं जैसे कि मीडिया स्टडीज़ 4 ईयर्स की डिग्री होती है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री 4 ईयर्स की होती है। ये 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद
यूनिवर्सिटी का जो आखिरी सेमेस्टर होता है, कभी कभी सातवां कभी आठवां सेमेस्टर, सेवन्थ एट्थ सेमेस्टर में आपने क्या करना होता है कि कहीं इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अपने असाइनमेंट के तौर पर किसी इदारे में काम करते हैं। ये वही इदारा होता है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होता है और वहाँ पर आप प्रैक्टिकल काम सीखते हैं कि खबरें कैसे बन रही हैं, खबरें आ कैसे रही हैं, कौन से वो सोर्सेज हैं जो कि खबरें दे रहे हैं, स्टूडियोज में क्या हो रहा होता है, प्रोग्राम कंट्रोलिंग रूम में क्या हो रहा होता है, कैसे तायुन किया जाता है कि क्या खबर चलानी है क्या खबर नहीं चलानी, और इसका फैसला कैसे होता है कि ये खबर सच्ची है झूठी है, बाउंस बैक तो नहीं हो जाएगी। तो वो 6 महीने के टाइम पीरियड के लिए वो इंटर्न्स जो है वो डिफरेंट टीवी चैनल्स का, अखबारों का, वेबसाइट का रुख करते हैं और वहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं जिसमें वो ये सीखते हैं कि उन्होंने क्या करना है। सबसे पहले आपने डिग्री ली 4 ईयर्स की, दूसरे नंबर पर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप की है जहाँ आपका इंटरेस्ट है। अगर आप अखबारी सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो किसी अखबार में इंटर्नशिप करेंगे, अगर आप टीवी चैनल के सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो आप टीवी चैनल पे आप इंटर्नशिप करेंगे, अगर आप किसी वेबसाइट के लिए काम करना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट के पास जाकर उनके ऑफिस में जाकर आप इंटर्नशिप करेंगे। जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो उधर आपको पता चलेगा कि यहाँ तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर तो लोग रिपोर्टर्स भी हैं, यहाँ पर ब्यूरो के अंदर जब रिपोर्टर्स की बात की जाती है तो उनकी बहुत सारी बीट्स होती हैं। बीट कहते हैं डिफरेंट फील्ड्स में वो काम कर रहे हैं। देर इज़ अ हेल्थ रिपोर्टर जो हेल्थ की खबरें रिपोर्ट कर रहा है, देर इज़ अ क्राइम रिपोर्टर जो क्राइम की खबरें रिपोर्ट कर रहा है, देर इज़ अ पार्लियामेंट रिपोर्टर जो कि पार्लियामेंट से आई हुई खबरों को रिपोर्ट कर रहा है, और डिफरेंट तरह के रिपोर्टर्स हैं, फैशन स्टाइल रिपोर्टर्स हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स भी हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है रिपोर्टर्स की, वो जॉनरा खबरों का होता है कि आप कौन से जॉनरा को सर्व करना चाहते हैं। तो ये हो गया ब्यूरो जहां आपने बनना है रिपोर्टर। अगर आपने एंकर बनना है तो स्टार्ट आपने फिर भी यहीं से करना होगा कि आप रिपोर्टिंग करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे और आप देखेंगे कि आपका पॉलिटिकल जो रिपोर्टिंग है उसमें आपका इंटरेस्ट है या आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या आपका किसी और चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, और आप वहाँ पर जाकर खबरें करेंगे। ब्यूरो चीफ आपका बॉस होगा और आप डिफरेंट जगहों पर जाकर रिपोर्ट्स बनाकर लाएंगे, बाहर से लाइव हिट्स करेंगे, लाइव हिट्स लेकर आएंगे, और फिर वो जब आप आके ऑफिस में सबमिट करेंगे तो कोई नॉन लीनियर एडिटर उसको एडिट करेगा और वो आपकी खबर ऑन एयर बुलेटिन में चल जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि अगर आपने रिपोर्टिंग से आगे निकलकर न्यूज़ में आना है, खबरें पढ़नी हैं, तो फिर आप रंडम पर आकर बैठते हैं, ब्यूरो से निकल के आते हैं। अब मैंने आपको कराची ब्यूरो की एग्जांपल दी है, तो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट ब्यूरो हैं, लाहौर ब्यूरो, इस्लामाबाद ब्यूरो, हर सिटी के अंदर उस दफ्तर का जो एक छोटा ऑफिस होगा उसको ब्यूरो कहेंगे और उसमें से खबरें उस शहर की जनरेट होंगी। तो जब आप कराची की बात कर रहे हैं, कराची में हेड ऑफिस है, एआरवाई न्यूज़ की एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, तो कराची हेड ऑफिस में जब आप ब्यूरो में काम कर रहे हैं और आपने आगे रिपोर्टर बनना है तो फिर ब्यूरो से निकल कर आप हेड ऑफिस आएंगे और हेड ऑफिस में आप रन डाउन पर बैठेंगे। अब रन डाउन क्या होता है? रन डाउन ऑफिसर्स वो होते हैं जिन्हें हम आम इस्तेलाह में एडिटर्स कहते हैं। ये वो एडिटर्स होते हैं जो कि खबरों को लिखते हैं, खबर की तराश खराश, उसमें खबरियत क्या है, सीधे सीधे जो साफ साफ जुमले होते हैं उनको क्रिस्पी बनाना, स्पाइसी बनाना, कैची बनाना, ताकि अगर आपके कानों को वो जुमले पढ़ें, आपको देखने में पढ़ने में नज़र आए तो आपका इंटरेस्ट डिवेलप हो कि ये खबर क्या है, पता तो चले कि ये क्या चल रहा है। जैसे कराची में मारधाड़, चोर बाजारी और कराची की सड़कों की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, इस तरह की कोई सस्पेंस टाइप की चीज़ जिससे क्यूरियोसिटी पैदा हो, लोगों को पता चले कि भाई इस खबर में क्या है और लोग रुक के सुने। तो रनडाउन पे जो लोग बैठे होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है रनडाउन की, वो बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेडलाइंस बना रहे होते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीजीज बना रहे होते हैं। जब आप स्क्रीन देखते हैं तो स्क्रीन के नीचे एक लाइन होती है जिसके अंदर बातें लिखी हुई होती हैं, टिकर से ऊपर की लाइन होती है सीजी, वो सीजीज चल रहे होते हैं। फिर बॉक्सेस की बारी आती है कि वो जो बॉक्सेस के अंदर खबर लिखी हुई आती है, रेड बॉक्सेस, जैसे आम मीडिया की इस्तेलाह में क्या कहते हैं कि डब्बा चल गया है। मैं जब लाहौर में थी तो उसे फटा कहते थे कि जी फटा बज गया, फटा बज गया। मैं सोचती थी ये फटा किधर बज गया, कौन सा फटा है, मैं चेक करती थी मेरे आसपास कौन सा फटा है जो बज गया। देन आई केम टू नो कि जो स्क्रीन के ऊपर जो लाल बॉक्स चल गया है उसको ये लोग कह रहे हैं कि फटा बज गया। तो खैर, एक तो वो लोग हैं जो फटे बजाते हैं बैठ के, इसके अलावा वो रनडाउन ऑफिसर जो ये डिसाइड करता है, टीम का उस वक्त लीडर होता है, वो डिसाइड करता है कि पहली खबर बुलेटिन में क्या होगी।
और हेडलाइंस की तरतीब क्या होगी, पहली खबर ये होनी चाहिए हेडलाइन में, दूसरी ये होनी चाहिए, तीसरी ये, चौथी ये, और 20-20 25-25 की मिनट की हेडलाइंस होती हैं। अगर मैं जियो टीवी और एआरवाई की बात करूं तो 25 मिनट तक की हेडलाइन होती है, और हेडलाइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बुलेटिन का, जो कि बहुत सोच समझ कर लिखी जाती है कि जी पहली खबर दूसरी तीसरी की तरतीब क्या होगी। और यही वो पॉइंट होता है जहां टीवी चैनल्स एक दूसरे को टक्कर देते हैं, और टीवी चैनल्स क्या करते हैं कि वो रेटिंग की दौड़ में आगे बढ़ रहे होते हैं कि जी पहले नंबर पर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है। इसी तरह जब आप रन डाउन पे होते हैं तो ये हेडलाइंस वगैरह वगैरह तो मैंने आपको बताया, एक और इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है जिसे कहते हैं पैकेजेस। पैकेजेस के लिए आपके रिपोर्टर्स बाहर जाते हैं, वो पैकेज शूट करके ले आते हैं। आपने सुना होगा अक्सर मुझे खबरों में ये कहते हुए कि देखते हैं सिदरा गयास की ये रिपोर्ट। तो सिदरा गयास फॉर एग्जांपल बाहर जाती हैं और वो रिपोर्ट बनाकर लाती हैं, और फिर वो रिपोर्ट्स कोई एडिट करता है, और सम टाइम रिपोर्टर्स खुद भी एडिट कर रहे होते हैं, एज एन एनली खुद भी एडिट कर रहे होते हैं। एडिट करने के बाद उसका जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो किसी भी शहर से भेज रहे हैं, अगर कराची हेड ऑफिस है उस टीवी चैनल का हेड ऑफिस कराची में है। फॉर एग्जांपल अगर एआरवाई की बात करें तो एआरवाई का हेड ऑफिस कराची में है, तो अगर लाहौर की रिपोर्ट है तो वो लाहौर से कराची उसको फाइनलाइज करने के लिए भेजेंगे कि आप इस टेक्स्ट को देख लें, क्या इस टेक्स्ट में कोई कमी है, कोई तराश खराश है तो उसे बेहतर कर लिया जाए, ताकि फिर हम इसको पैकेज बनाकर आपको भेज दें। फिर उस पैकेज के आता है वॉइस ओवर, तो उस वॉइस ओवर का क्या किया जाता है कि अगर वो रिपोर्टर अपना वॉइस ओवर खुद करना चाहता है तो हर टीवी चैनल के अंदर वॉइस ओवर रूम बने हुए होते हैं, जिन्हें वॉइस ओवर बूथ भी कहते हैं। वहां जाकर वो अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हैं, वहां से NLE जो नॉन लीनियर एडिटर होता है उस वॉइस ओवर को लेता है, और उसकी बनाई हुई फुटेजेस जो उसने कैमरामैन से शूट करवाई है, वो फुटेजेस रिपोर्टर ने, उसके ऊपर वो वॉइस ओवर चिपका देता है, सादा लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो। अब जब एक रिपोर्टर बाहर जाता है तो उसकी टीम के अंदर ना सिर्फ रिपोर्टर खुद होता है बल्कि उसकी टीम के अंदर एक कैमरामैन भी होता है। वो कैमरामैन जो कि अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरवेकार लाते हुए खूबसूरत और मज़ेदार किस्म के शॉट्स लेके आता है, जैसे कि अगर बारिश का मौसम है तो अच्छे अच्छे शॉट्स बारिश के पौधे फूल फल के हिलते हुए और बड़े कैची किस्म के बारिश का शोर, वो नेचुरल साउंड, तो ये कैमरामैन की जवाबदेही होती है कि वो कितना खूबसूरत उसको शूट करके लेके आएगा, और कितना एंजॉय करके रिपोर्टर उसको वॉइस ओवर करेगा, और कितना अच्छा उसको एनली एडिट करेगा। तो वहाँ रन डाउन पर बैठ कर जब आप वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो आपको ये पता चलता है अपना इंटरेस्ट कि आपको स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, या आपको पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, या फिर आप फैशन स्टाइल जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो तरीकाकार है वो यही है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर तवज्जो देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का दौर दौरा होता है। आप ट्विटर उठाकर देखें पॉलिटिक्स भरी पड़ी है, आप अखबार उठाकर देखें तो पॉलिटिकल खबरें हैं, आप टीवी चैनल का न्यूज़ बुलेटिन देखें तो पॉलिटिकल खबरें हैं। तो अमूमी तौर पर जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं वो फिर आ जाते हैं एंकरिंग के अंदर। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शुरू होती है आपकी न्यूज़ एंकरिंग की ट्रेनिंग।